Hello guys, welcome to my YouTube channels. Today I'm going to discuss about मेवे. तो आज का मेरा टॉपिक्स है मेवे. मेवे एक ऐसा टूल्स है जिससे हम लोग प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं. उसमें आपको बना बनाया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिया जाता है. अगर आप कोई भी आर्टिफैक्ट आईडी सेलेक्ट करते हो तो उसके बेसिस पे आपको एक आर्किटेक्चर दे दिया जाता है, एक आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स दे दिया जाता है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट को इजीली बना करके डिप्लॉय कर सकते हो. तो ये सारी बेनिफिट्स होती है मेवेन से. मेवेन भला कि सभी कंपनी में यूज होती है. रियल लाइफ प्रोजेक्ट मेवेन से ही बनती है ताकि उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, प्रॉपर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है और लूज कपलिंग भी प्रोवाइड कराता है. तो आप मेवेन को यूज करना सीखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट नाउ एंड I am going to discuss about Maven step by step, how to build a project in Maven, how to install the plugins Maven, how to work with the Mavens, how to compile, learn, how to add the server, how to use poom.xml, everything I am going to cover in this video. So watch this video until end. गाइज, सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना इक्लिप्स. इक्लिप्स ओपन करने के बाद मुझे मेवेन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल न्यू एंड मेवेन प्रोजेक्ट. ओके, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो आप अदर पे क्लिक करो और यहाँ पे सर्च कर सकते हो मेवेन. आपको मेवेन प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा. आप क्लिक करो मेवेन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट क्लिक करो. नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट ए सिंपल प्रोजेक्ट. अगर सिंपल प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो इस पर टिक करो, अदरवाइज मत करो. डायरेक्ट वर्क लोकेशन आपको डिफॉल्ट कोई भी ले लो वर्क लोकेशन, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट कर दो. नेक्स्ट करने के बाद आर्टिफैक्ट आईडी. आर्टिफैक्ट आईडी का बहुत अहम रोल है क्योंकि आप किस प्रकार के प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो. अगर आप सिंपल कोर जावा का प्रोजेक्ट बनाना जा रहे हो जिसमें सर्वर का यूज ना हो तो आप डायरेक्टली चूज करोगे मेवेन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट. मेवेन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट. अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो तो आप डेफिनेटली इसको चूज नहीं करोगे. आप चूज करोगे इसको ओआरजी अपाचे मेवेन आर्कटाइप, मेवेन आर्कटाइप मेवेन वेब ऐप. ओके, सो दोनों में डिफरेंस समझ लो. अगर आप सिंपल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जिसमें सर्वर इन्वॉल्व नहीं हो तो मेवेन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट. अगर कोई सर्वर अवेलेबल है तब वेब ऐप. ओके, नेक्स्ट क्लिक करोगे. नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी एक नेम दोगे, एनआईटी प्रिंस. ओके, ग्रुप आईडी, आप कितने लोग ग्रुप में काम कर रहे हो. उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम, तो एमबीसी प्रोजेक्ट एप वन. ओके, आप कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हो, तो 1.0 वर्जन. आप कोई पैकेज देना चाहते हो क्या, नहीं, सिंपली ओके. बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे. तो सिंपल हमारा वेब एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा. आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्रिएटिंग ए मेवेन आर्क टाइप वेब ऐप 10%, नीचे यहाँ पे देखो. तो इस तरह से क्या होगा कि आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा 100% होने के बाद. तो आपको दिख रहा होगा, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ इस प्रोजेक्ट को. और आपको जैसे बोले थे कि पूरी डायरेक्टरी आपको देगी, तो ये पूरी डायरेक्टरी आपको मिल गया, बना बनाया डायरेक्टरी, आपको कुछ नहीं करना है. अब सिंपल सा क्लिक करना है स्टेप बाय स्टेप फोकस. सबसे पहले क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है इस पे प्रोजेक्ट पे, बिल्ड पाथ पे जाना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे जाना है. और सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट, यहाँ से दो जार को सिलेक्ट करना है और अप्लाई एंड क्लोज कर देना है. फर्स्ट वर्क. सेकेंड वर्क, सेम वेब पे जाना है और राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करने के बाद बिल्ड पाथ कॉन्फ़िगर, सेम थिंग. और यहां पे जाने के बाद आपको अपने जावा लाइब्रेरी यानी कि जेडीके और सर्वर को कनेक्ट करना है. तो आप क्या करोगे, सिंपल आप जाओगे लाइब्रेरी में और यहां से आपके पास जावा ऑलरेडी दिख रहा है तो आप यहां पे एक क्लिक करोगे एंड ऐड कर दोगे. अगर ऐड यहां से करना है तो आप सिंपली जाओगे जीआरई सिस्टम जार
पर यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिफॉल्ट जो कुछ भी है उसको फिनिश कर दो, तो ऐड हो गया। उसके बाद मेवन इतना आपको देता है, कोई बात नहीं। आपको कोई सर्वर ऐड करना है तो सर्वर पहले देखते हैं कोई ऐड है कि नहीं। ऐड लाइब्रेरी, रन टाइम सर्वर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपाचे टोमकैट 9.0 सर्वर है, अगर नहीं रहता तो अब भी हम बता दें कैसे ऐड कर सकते हैं। क्लिक करो, अप्लाई करो एंड क्लोज कर लो। इतने काम तुमने किया, एक और काम कर दो, राइट क्लिक करो बिल्ड पाथ। क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं इसे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मैंने एक्सपेंड किया उसके बाद फिर से मैंने एक्सपेंड किया तो लाइब्रेरी में देख रहे हो कि यहाँ पे टोमकैट 9.0 एंड सिस्टम लाइब्रेरी JSE 2.1.5 दिखा रहा है, तो मुझे एक को रिमूव करना चाहिए। ओके, किसी एक को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रखने दो। अगर आप चाहते हो इसमें से किसी और को चेंज करके रखना तो आप सिंपल जाओ वेब एप्लीकेशन बिल्ड कॉन्फ़िगर, इसमें बहुत काम आता है बिल्ड का, और यहाँ पे प्रोजेक्ट फैक्ट पे जाओ और यहाँ से जावा वर्जन को चूज कर लो 1.8, ये स्टैंडर्ड वर्जन होता है, अप्लाई कर दो एंड क्लोज कर दो। सब आपका एरर खत्म हो गया। अगर आप चाहते हो मेवन प्रोजेक्ट को अपडेट करना, सिंपल राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाओ मेवन अपडेट प्रोजेक्ट एंड फोर्सफुली अगर करना है आपको ऑफलाइन आराम से अपडेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पूरी एरर खत्म। अब हम क्या करेंगे, इस पर आप प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो ए पार्ट होता है जहाँ पे आप जावा एप्लीकेशन बनाओगे, ओके, यहाँ पे आप अपने सभी पैकेज को बनाओगे। जैसे हमको पैकेज क्रिएट करना है तो कंट्रोल एन और पैकेज पर क्लिक किए, पैकेज आ गया com.nt.controllers, आपका पैकेज बन गया। पैकेज के अंदर कोई क्लास बनाना है, कंट्रोल एन क्लास सर्च करो, एंटर करो, एंटर करने के बाद क्लास एडिशन क्लास बन गया, सिंपल एंटर करो तो आपका क्लास भी बन गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो कुछ भी जितने भी पैकेज बनाने हैं आप यहाँ पे बनाओगे SRC मेन जावा में, ओके, बाकी कहीं कुछ नहीं करोगे। अगर आपको कोई डिपेंडेंसी कोई जार ऐड करना है अगर आप जावा प्रोजेक्ट बना रहे हो सो डेफिनेटली आप आओगे pom.xml का। इसमें सबसे अहम रोल है pom.xml का, ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। अगर आप चाहते हो XML देखना तो XML आपका जो मेन XML है वो वाला XML यहाँ पे है, SRC मेन वेब ऐप और वेब ऐप के अंदर वेब INF एंड web.xml। तो यहाँ पे आप सर्वलेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो और डिफ़ॉल्ट एक GSP फाइल इसमें दिया गया है जहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर चाहो तो लिख सकते हो क्या, वेलकम टू माई पेज, वेलकम टू माई फर्स्ट पेज, कुछ कलर कर देते हैं, स्टाइल इक्वल टू कलर कलन रीड, टेक्स्ट स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, दैट्स इट। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया। उसके बाद अगर आप चाहते हो तो जो कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना है जो भी XML फाइल आप यहाँ पे बनाओगे अपने प्रोजेक्ट के अनुसार। अगर कोई आपको जार को ऐड करना है तो pom.xml में आओगे एंड pom.xml का बहुत अहम रोल है कि इसमें आप अपने डिपेंडेंसी को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ से ये जो टैग ओपन हो रहा है तो एक इसमें ऑलरेडी डिपेंडेंसी ऐड हुआ है JUnit का, तो आप अपने डिपेंडेंसी को यहाँ पे डाल सकते हो, आपके लिए ये स्पेस है। तो डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए आप जाओगे यहाँ पे सर्च करोगे MVN रिपोजिटरी और यहाँ पे जो भी आपको चाहिए कोई भी डिपेंडेंसी, मान लो यहाँ पे हमको चाहिए सर्वलेट का सर्वलेट API डिपेंडेंसी चाहिए, ओके, आप जाओगे या सर्वलेट कोई स्प्रिंग बना रहे हो तो स्प्रिंग का कुछ भी सर्च कर लो, यहाँ पे जावा सर्वलेट API डॉक्यूमेंटेशन सेंट्रल रिपोजिटरी, ओके, क्लिक करो, यहाँ पे नहीं है,
तो आपको जो चाहिए वो यहाँ पे आकर के आप सिंपली सर्वलेट एपीआई कोई भी डिपेंडेंसी एक चूज करो, यहाँ पे जैसे इसको चूज करो, इस वाले पार्ट को यहाँ से चूज करो और सीधे आओ यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दो। पुट करके जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल ए आई फॉर्मेट हो गया, कंट्रोल एस करोगे तो यहाँ पे वो जार डाउनलोड होने लगेगा और उस जार को ऐड कर दिया जाएगा तुम्हारे प्रोजेक्ट में। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि हमारे प्रोजेक्ट में वो वाला जार ऐड हुआ या नहीं, उसको आप देख सकते हो यहाँ से कि कैसे हम लोग उस मेवेन जार को ऐड किए हुआ है कि नहीं, सर्वलेट एपीआई जार यहाँ पे आ गया। तो आप मैनुअली ना करके आप पूम डॉट एक्सएमएल में केवल इन्फॉर्मेशन डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली इक्लिप्स डाउनलोड कर लेगा। तो आप ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो अपना। अब हम बात करते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को रन कैसे करोगे। ओके सो सिंपल, इस प्रोजेक्ट पे जाओ, क्लिक करो। तो यही सारी चीजें हैं कि आपको यूज करना है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे, बस इतना ही चीज चाहिए। जितना मैंने बताया इतना इन्फॉर्मेशन काफी है एक मेवेन प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। ओके यहाँ पे क्लिक करो मेवेन के पास और जस्ट रन एज विथ सर्वर। ओके आपने सर्वर भी ऐड कर चुके हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड फिनिश। ओ माय गॉड, टोमकैट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है, लोकल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज मिसिंग। ओके कोई बात नहीं, कोई सर्वर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो यहाँ पे आओ, सर्वर पे क्लिक करो, स्टार्ट। स्टॉप, हम यहां से क्या करते हैं, इस सर्वर को डिलीट कर देते हैं। हम इस सर्वर को डिलीट कर देते हैं और फिर से इस सर्वर को क्रिएट कर लेते हैं। लिंक करें यहां पे सर्वर 9 पॉइंट, लोकल हस्ट न्यू किए, इस प्रोजेक्ट में मुझे जाना है, ऐड किए। ओके और फिर से हम राइट क्लिक करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, देखते हैं कि रन होता है कि नहीं। तो इस बार मेरा प्रोजेक्ट रन होना शुरू हो गया और टोम कैट इजिली वर्क करना शुरू हो गया। तो कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम देता है आपका सर्वर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे चेंज कर सकते हो, कभी ला सकते हो, कभी हटा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये आपका जो चेंजेस पेज था, तो आप जो कुछ भी चेंज करोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2 टैग एंड लिखता हूँ माई नेम इज प्रिंस कुमार। सेव किया और सिंपली जा करके वहां पे क्या कर रहा हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं। रिफ्रेश किया मैंने तो माय नेम इज प्रिंस कुमार यहां पे शो होने लगा। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस।